हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू राइट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में कोडिंग कैसे लिखे। लास्ट अपन ने क्लास में जो पढ़ा था, एडिशन ऑफ टू नंबर को अपन कैसे ऐड करते हैं, इस एक्टिविटीज को पूरा फॉलो किया था कि अपन ने क्या क्या है ना स्टेप फॉलो की थी। एल्गोरिथम्स बनाया था, एल्गोरिथम्स बना के फिर उसका सी लैंग्वेज में अपन ने प्रोग्राम का कोड लिखा था, फिर कोड का एक्सप्लेनेशन किया था। आज अपन जो नई टास्क लेके आए हैं वो अपन लेके चल रहे हैं एरिया ऑफ, मतलब ये सर्किल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अपनी जो टास्क है, प्रॉब्लम्स जो अपने प्रॉब्लम लेके जो चल रहे हैं अपन, प्रोग्राम का जो टाइटल अपना कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कि वृत्त, मतलब सर्कल मीन्स हो गया वृत्त, वृत्त का एरिया कैसे निकाले, उसकी है ना परिधि कैसे निकाले। तो एरिया को इंग्लिश में बोल, अपन इसको एरिया को जो अपन बोलेंगे क्षेत्रफल हिंदी में, और सर्कमफेरेंस को परिधि बोलेंगे। और वृत्त तुम बिगिनर्स लेवल से पढ़ते हुए चलते हो, सर्कल को अपन प्ले ग्रुप से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक अपने पास एक सर्कल की टास्क है जिसमें अपन को एरिया निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का। तो अपन इस एक्टिविटीज़ को कैसे फॉलो करें, अपन चाहते कि अपन को कुछ भी नहीं आता, सी लैंग्वेज में बिल्कुल अपन अननोन है, तो अपन लैंग्वेज में इस टास्क को कैसे सोल्व करें, इसके लिए अपन को क्या एक्टिविटीज फॉलो करनी होगी। तो एक्टिविटीज के लिए अपन को अपना माइंड कैसे प्रिपेयर करना होगा, माइंड में क्या एक्टिविटीज आएगी, एक्टिविटीज को कैसे अपन कोडिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अपन सबसे पहले देखें कि मैनुअल सिस्टम्स में इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं। सर्किल अपन को आता है, तो सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम कोड लिखने का, सबसे पहले तो प्रोग्राम्स को पढ़ो, है ना, रीडिंग द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अपन रीड करेंगे, फर्स्ट वी विल रीड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको सर्किल का थोड़ा सा आइडिया है, सर्किल क्या होता है, सर्किल में क्या क्या मेजरमेंट आता है, सर्किल में अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अपन को मैनुअल सिस्टम्स का नॉलेज है, तो अपन आगे इस टास्क को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सपोज तुमको सर्किल ही नहीं आता क्या होता है, सर्किल में मेजरमेंट क्या होता है, तो फिर तुम है ना कोडिंग नहीं लिख सकते। तो अपन एक बार मैनुअल सिस्टम्स का कंसेप्ट लेके चलते हैं, मैनुअल सिस्टम्स में अपन कैसे इस टास्क को सोल्व करते हैं। तो सपोज ये एक सर्किल हो गया, मैनुअल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये एक सर्किल हो गया, सर्किल में एक सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से जो ये बॉर्डर है, ना सेंटर पॉइंट से जो ये बॉर्डर है ये आपकी रेडियस कहलाती है, रेडियस। तो सर्किल में एक ही मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा, रेडियस। अगर रेडियस गिवन है तो अपन सर्किल में एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को रेडियस को रीड करना होगा, है ना, ये गिवन डेटा है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर क्या गिवन डेटा है लिखेंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल रेडियस सपोज अपन को दे दे कि रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर दे दे, 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर को लेके मैं कहूँ एरिया निकालो, मैं कहूँ सर्कमफेरेंस निकालो, तो एरिया निकालेंगे तो अपन एरिया के लिए अपन को फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा तो अपन प्रोसेस कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं आएगा तो अपन कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो अपन को मैथ्स में फिर अपन लिखते हैं ना कि फॉर्मूला, अपन ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, फिर अपन लिखते हैं एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कमफेरेंस इक्वल 2 पाई आर। फिर अपन इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, पाई का मान अपन 22/7 लेके चले, या पाई का मान अपन 3.14 लेके चले। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके और फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद में रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट को अपन बोल देते हैं ना कि आंसर इक्वल, है ना, एरिया इक्वल इतना आया, एरिया इक्वल इतना और सर्कमफेरेंस इक्वल इतना। तो अपन को मैनुअल सिस्टम्स की टास्क को पूरा माइंड में फॉलो करते हुए आगे की एक्टिविटीज को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले तो
प्रॉब्लम्स को रीड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके फिर गिवन डेटा को देखेंगे, गिवन डेटा को लेके फिर फॉर्मूले पे आ जाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को बता देंगे, अपनी टास्क ओवर हो जाएगी। कोई भी प्रोग्राम्स करो तो यही एक्टिविटीज माइंड में फॉलो करनी होती है अपन को। तो अपन ने देखा कि सपोज अपन को कोई रेडियस गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, तो अपन ने फॉर्मूला याद होगा 3.14, 7.5 इंटू 7.5, सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2, 3.14 इंटू 7.5। तो मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दी यहाँ पे, और फिर डिस्प्ले करा देंगे, अपनी टास्क ओवर हो जाएगी। अपन को ये मैनुअल सिस्टम्स में आता है, मैथ्स में इस तरह के खूब क्वेश्चंस अपन ने सोल्व किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के लिए अपन को ये रेडियस दे देते हैं, फिर देनी है कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने का मैनुअल सिस्टम्स का ये एक तरीका है कि अपन मैथ्स में ये काम कैसे किया था। अब इसी काम को अपन है ना कंप्यूटर में कैसे लिखें। अब तुमको ये तो समझ में आ गया कि मैथ्स में तो ऐसे कर दे अपन करते हैं, अब कंप्यूटर में इसी काम को कैसे करोगे। तो इसी काम को करने के लिए एक प्रॉपर जो स्टेप्स अपन बनाएंगे, स्टेप्स में एक सीक्वेंस लेंगे कि सबसे पहले तो डेटा आएगा, फिर अपन है ना रीड करके फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। तो अब कंप्यूटर की टास्क देखो कैसे करते हैं अपन। तो अपन जो मैनुअल सिस्टम्स में जो स्टेप्स लिख रहे थे है ना मैथमेटिकल वे में, तो अपन कंप्यूटर में इन स्टेप्स को कैसे लिखें कि कंप्यूटर में इन स्टेप्स में कैसे सॉल्यूशन हो पाएगा, लैंग्वेज में कोड कैसे लिख पाएंगे। तो कोड लिखने से पहले एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की स्टेप्स होगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसको अपन अल्गोरिथम्स कहेंगे। अल्गोरिथम्स में स्टेप्स में सीक्वेंस होगा, फाइनाइट स्टेप्स होगी, सर्टेन स्टेप्स के बाद में अल्गोरिथम्स फिनिश हो जाना चाहिए। अब जो अपन ने मैथमेटिकल वे में स्टेप्स ली थी उसको मैंने एक सीक्वेंस में पूरी स्टेप्स को वन बाय वन लिख दिया, तो ये आपका अल्गो हो गया। तो अपन ने लिखा ना मैनुअल स्टेप्स प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, तो पहले स्टार्ट किया, फिर डेटा को पढ़ा, रीड किया, फिर एरिया के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया, सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला लगा दिया, और दोनों में कैलकुलेशन आ जाएगी, फिर अपन ने राइट कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये आपका अल्गो कहलाएगा कि अपन कोई भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को लिख दें स्टेप्स में, तो उसको अपन अल्गो कह सकते हैं, अल्गोरिथम कह सकते हैं अपन। तो अल्गोरिथम्स अगर अपन को पूरी स्टेप्स आती है तो फिर अपन आगे क्या करें। तो फिर होता ना कि अगर अल्गो कंप्लीट आता है तो इस अल्गो को एग्जैक्ट कोडिंग में कन्वर्ट कर दो, कि आपको अगर सी लैंग्वेज का थोड़ा सा एक आइडिया है, अगर आइडिया नहीं है तो थोड़ा कोशिश करें सीखने की कि अल्गोरिथम्स अगर स्टेप्स आ गई तो इस अल्गोरिथम्स को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करें। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने फिक्स्ड सी लैंग्वेज के रूल रेगुलेशन आने चाहिए। अब अपन सी लैंग्वेज में इसको कैसे बनाएं तो देखें, और फिर भी सपोज आपको अल्गोरिथम्स अगर नहीं आता है तो फिर अपने पास स्टेप्स को समझने का एक दूसरा वे है। अब तुम कहोगे क्या, तो दूसरा वे है फ्लो चार्ट, कि अपन अगर कोई प्रॉब्लम्स अपन को ऐसे स्टेप्स में नहीं आ रही, मान लो किसी का माइंड काम नहीं कर रहा, तो फिर अपन कह सकते हैं ना कि डायग्रामेटिकली बता दो, है ना ग्राफिकल वे में बता दो प्रॉब्लम्स को। तो ग्राफिकल वे में अगर आप प्रॉब्लम्स को वन बाय वन बता दोगे तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी प्रॉब्लम्स का, कि कोई भी प्रॉब्लम्स है ग्राफिकल वे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दो, है ना उसको रिप्रेजेंटेशन कर दो, तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्राम को समझने से, प्रोग्राम कोड लिखने से पहले की एक स्टेप्स कह दो, आप टूल्स कह दो। कई बार होता है ना कि मैं कहूँ कि किसी का एड्रेस बता दो, अब मैंने ओरल बोल दिया है ना, ओरल में मैं कहूँ इस लेन नंबर 3 में टर्न करना, राइट को टर्न करना, इतने नंबर का मकान आएगा, फिर तुम कहते हो समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कहूँगा चार्ट बना देता हूँ, तो तुम कहोगे मैं चार्ट के अकॉर्डिंग चलूँगा, तो मेरे को ना पूरा नक्शा समझ में, नक्शे के थ्रू पूरा है ना किसी भी लोकेशन सर्च करना ईजी हो गया अपने लिए। तो ग्राफिकल वे में किसी भी प्रॉब्लम्स को समझना वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। अपन अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ एक दो क्लास में फ्लो चार्ट की भी सेपरेट इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। तो अपन को फ्लो चार्ट एक वे कह दो आप कि ग्राफिकल वे में किसी भी प्रॉब्लम्स को, प्रोग्राम्स को समझने का एक तरीका है कि प्रोग्राम का कैसे फ्लो होगा, है ना डेटा कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो आप किसी ईजी वे में कैसे प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, तो वो फ्लो चार्ट हो गया। तो फ्लो चार्ट के लिए भी फिक्स सिंबल्स होते हैं,
ये सिंबल्स अपन ने मैथमेटिकल वे में पूरे पढ़ रखे हैं। अब सिंबल्स में देखोगे तो ये आपका टर्मिनल बॉक्स कह सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप, स्टॉप के लिए टर्मिनल बॉक्स फिक्स है, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम फिक्स है, प्रोसेस करेंगे तो रेक्टेंगल का डायग्राम फिक्स है। तो इसमें पूरी स्टेप्स लिख देंगे तो वही सिक्वेंस है जो एल्गोरिथम्स में अपन ने सिक्वेंस ऑर्डर लिया था वो का वही ऑर्डर यहाँ पे है। सबसे पहले है ना स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट से कहाँ आएंगे, इनपुट पे आएंगे, इनपुट में आर को रीड करेंगे, आर को रीड करके फिर एरिया निकालेंगे, सी सर्कमफेरेंस निकालेंगे, फिर राइट कर देंगे, स्टॉप हो जाएगा। तो अपना एक ये तरीका हो गया प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें। तो अब एल्गोरिथम्स के बाद में फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट के बाद में फिर अपन क्या करें। अब मान लो आपके दोनों एक्टिविटीज आ गई, अब दोनों एक्टिविटीज आ गई तो अब सी के कोड पे आ जाओ सीधा। अब तुमको कैसे लिखेंगे सी लैंग्वेज की, तो मेरे को एबीसीडी नहीं आती, तो सी लैंग्वेज के लिए कुछ फिक्स रूल रेगुलेशन है तो उस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। तो अपन ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर ये सी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी को अपन शुरू कर देंगे। तो आगे देखें अपन इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिख पाएंगे। तो अभी तो एक सैंपल कुछ अपन टास्क लेके एक सैंपल प्रोग्राम देखते हैं कैसे लिख पाते हैं अपन। फिर नेक्स्ट देखो, अब अपन ने अल्गोरिथम्स अपन को आ गया कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया। अब अल्गोरिथम्स को कन्वर्ट करें सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट में। अब सी लैंग्वेज में फिक्स ग्रामर होती है, फिक्स रूल रेगुलेशन होता है, उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक कोडिंग लिखेंगे। फिक्स वर्ड है, फिक्स टर्मिनोलॉजी आएगी, फिक्स है रूल रेगुलेशन है। तो अगर थोड़ा सा भी आप प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी, है ना। तो अपन को अल्गोरिथम्स अगर आ गया तो सी लैंग्वेज में कोड करना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अल्गोरिथम्स में सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था, स्टार्ट। तो स्टार्ट को अपन ने सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, बिगिन ब्रेस, है ना, ये बिगिन ब्रेस कहलाएगा। ये क्या क्या इंडिकेट करेगा, स्टार्ट को। कोई भी प्रोग्राम शुरू करेंगे तो बिगिन ब्रेस आएगा, है ना। फिर अपन को क्या लिखा, अपन ने रीड लिखा, रीड जनरल वे में हो गया। जैसे मैनुअल सिस्टम्स में क्या होता है कि आँख से डेटा अपने माइंड में जाता है, तो रीड आर। अब सी लैंग्वेज में रीड को अपन कैसे लिखेंगे, स्कैन फंक्शंस का ही हेल्प लेंगे कि इनपुट की टास्क सी लैंग्वेज में कैसे करोगे। इनपुट का मतलब होता है कि डेटा को कीबोर्ड से लेके मेमोरी में ट्रांसमिट करें, तो कीबोर्ड से डेटा कैसे जाएगा और मेमोरी में कैसे आएगा, वेरिएबल में कैसे वैल्यू रीड करोगे। तो अपने पास है ना स्कैन नफ हो गया, ये एक जनरल एक फंक्शन है स्कैन नफ, स्कैन एफ रेगुलर वर्ड है, फिर ये ब्रेकेट है, ये एक फंक्शन हो गया आपका स्कैन नफ। रीड के लिए अपन स्कैन नफ यूज करते हैं अपन। अब स्कैन नफ में क्या यूज करोगे, स्कैन नफ में मैं रेडियस यूज करूंगा। तो रेडियस का वेरिएबल क्या है, रेडियस का वेरिएबल आर है। अब आर को कैसे पढ़े, तो अपन को थोड़ा सा अपन को है ना कि डेटा किस कैटेगरी का आएगा। अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा को यहाँ डील करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा को कैसे डील करेंगे, है ना, कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, डेटा कहीं टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली जो डेटा अपन लेके चलेंगे अभी सी लैंग्वेज में इनिशियल स्टेज पे, तो डेटा के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है कि किस तरह की वैल्यू आप डील करोगे, कंपाइलर को कैसे आइडेंटिफाई करा पाओगे। तो अपन ने नॉर्मली अपन देखते हैं ना कि अपने पास अगर ये करेक्टर इंटीजर डेटा यूज करना हो, इंटीजर टाइप का अगर कोई डेटा को डील करना हो तो INT कीवर्ड की हेल्प लेते हैं अपन। और INT इंटीजर डेटा के लिए %D फिक्स एक फॉर्मेट करेक्टर बना रखा है कि कोई भी अगर इंटीजर डेटा को डील करोगे कि इंटीजर डेटा ना इनपुट में आ रहा है या प्रोसेस के डिस्प्ले में जा रहा है, ठीक है ना, इंटीजर डेटा को अपन रीड कर रहे हैं वेरिएबल्स को। तो इसके नफ में इंटीजर डेटा जब भी आए तब भी आ जाए तो %D लगाओगे। फ्लोट डेटा के लिए, फ्लोट के लिए अपन %F लगाते हैं, ये फिक्स फॉर्मेट करेक्टर है ये। और करेक्टर के लिए %C लगाते हैं अपन। और करेक्टर में स्ट्रिंग एक और डेटा चलता है, करेक्टर में स्ट्रिंग एक और आता है अपने पास, तो करेक्टर में स्ट्रिंग अगर आता है तो %S लगाते हैं। ये हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो,
तो हो सकता है थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो। आगे अपन इनको डिटेल से लेंगे, इनपुट आउटपुट को, कि सी लैंग्वेज में इनपुट कैसे लिया जाता है। तो फिलहाल तो अभी इसके नफ याद रख लो। अब अपना है ना न्यूमेरिक वे में अगर डेटा को डील कर रहे हैं, अपन न्यूमेरिक डेटा डील कर रहे हैं, तो इंटीजर फ्लोट दो कीवर्ड याद रख लो अभी तो, कि इंटीजर मीन्स INT मीन्स इंटीजर डेटा को डील करूँगा मैं, फ्लोट अगर डेटा को रेफर करना हो तो फ्लोट कीवर्ड की हेल्प लूँगा, रियल नंबर मतलब, फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी में आता है तो। फिर स्कैनफ और प्रिंटफ में ये कंट्रोल कैरेक्टर इंटीजर डेटा के लिए %D आएगा और फ्लोट डेटा के लिए %F आएगा, फॉर्मेट करेक्टर है ये अपने आप में। तो अपन को रेडियस पढ़ना है तो scanf एक फंक्शंस हो गया, %F फ्लोट डेटा को रेफर करेगा है ना, फ्लोट डेटा के लिए एक फॉर्मेट करेक्टर हो गया, और R मीन्स मेमोरी लोकेशन पे डेटा रीड होगा। R एक वेरिएबल है तो वेरिएबल R के एड्रेस पर, एड्रेस ऑफ R एक स्पेसिफाई कर दिया अपन ने इनपुट में एड्रेस, कि इस एड्रेस पे इनपुट का डेटा जाएगा, कीबोर्ड से जब टाइप करेंगे तो R के एड्रेस पर एक डेटा लेके जाएगा कंप्यूटर ये कीबोर्ड से। तो इसके नफ फिक्स है, ब्रैकेट लगाओगे है ना, डबल कोट्स में एक वेरिएबल पढ़ेंगे तो एक कंट्रोल आएगा, दो वेरिएबल पढ़ोगे तो दो कंट्रोल आएंगे, तीन वेरिएबल पढ़ेंगे तो तीन कंट्रोल आएंगे विदाउट स्पेसिंग। तो अपन कोई भी डेटा पढ़ेंगे %F कोटेशन में लगाओगे, कोमा लगाओगे, फिर वेरिएबल के साथ में एंड लगाएंगे अपन, एंड एड्रेस को रेफर करता है, एक लोकेशन होती है मेमोरी की। इसको डिटेल में जब इनपुट आउटपुट का अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे अपन, अभी तो नॉर्मल वे में याद रख लो। scanf मीन्स रीड वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, वेरिएबल्स वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। अब अपन क्या करें, रीड कर चुके अपन, R में एक डेटा आ गया, जो भी डेटा कीबोर्ड से डालोगे वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर अपन फॉर्मूला लिखेंगे, अब जनरल मैथमेटिकल में तो अपन क्रॉस लगा देते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, अब यहाँ सी लैंग्वेज में स्टार से मल्टीप्लीकेशन की टास्क हो गई, और यहाँ पाई का मान 22/7 फिक्स है, पाई का मान 3.14 भी अपन लिख सकते हैं। तो अपन ने पाई आर स्क्वायर, यहाँ कंप्यूटर में ना आर स्क्वायर को अपन आर इंटू आर लिखेंगे, अगर मान लो एक्सपोनेंट ज़्यादा हो जाए है ना, मल्टी मान लो कि ये 4, 5, 6 आ जाए, तो फिर अपन एक फंक्शंस की हेल्प ले लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो अपन नॉर्मल वे में 22/7 इंटू आर इंटू आर। फिर क्या, सेंटेंस जैसे ही ख़त्म होता है सेमी कोलोन सेंटेंस स्टेटमेंट का टर्मिनेशन है, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप मीन्स होता है सेंटेंस एंड हो गया। हिंदी में कोई भी है ना वाक्य आता है, फुल पूर्ण विराम लगा देते हैं, सेंटेंस ख़त्म हो गया। सी लैंग्वेज में अगर कोई स्टेटमेंट फिनिश हो जाता है तो सेमी कोलोन टर्मिनेशन कहलाएगा, यानी कि सेंटेंस फिनिश हो गया अपना। तो सेंटेंस तब भी एंड हो तो सेमी कोलोन से टर्मिनेट करोगे, अगर सेमी कोलोन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, याद रखने का पॉइंट है ये। ऐसे ही अपना है ना एरिया निकल गया, सर्कमफेरेंस निकल गया, सर्कमफेरेंस का मतलब परिधि 2πr, एरिया मीन्स πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला थर्ड क्लास से ही चलते हैं मैथ्स में, 10th तक खूब पढ़े होंगे ये फॉर्मूले, और आगे कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए भी याद होने चाहिए। फिर कहोगे कि कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन के बाद में अपन क्या करेंगे, रिजल्ट्स को आउटपुट में शो करना मेरे को, होता है ना कैलकुलेशन कर ली, फिर तुमने कैलकुलेशन को इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर रखा है, मुझसे नहीं बोला, तो अपन को है ना प्रिंटफ, प्रिंटफ एक फंक्शंस हो गया, यह भी एक फंक्शंस है प्रिंटफ, आउटपुट के लिए अपन यूज करते हैं। इससे प्रीवियस अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी इसको लिया था प्रिंटफ। जितने भी ये फंक्शंस होते हैं पेरेंथेसिस को फॉलो करते हैं, मतलब छोटा ब्रैकेट शुरू लास्ट में क्लोजिंग, तो पेरेंथेसिस अगर किसी भी वर्ड के साथ में आ जाता है तो देट मीन्स वो फंक्शंस है। अब प्रिंटफ में जैसे अपन मैथ्स में लिखते हैं ना कि एरिया इक्वल, फिर आंसर पॉइंट आ गया आपका, आंसर आ गया, सर्कमफेरेंस इक्वल, तो मैसेज को डबल कोट्स में लिखा जाएगा। अब डेटा किस तरह का है, फ्लोट डेटा है, तो फ्लोट डेटा को अपन %F लगा के लिखेंगे, फिर जैसे डेटा लिख दे लाइन चेंज हो जाए, तो लाइन चेंज के लिए न्यू लाइन ये बैकस्पेस एंड फिक्स है, एक बार याद रखो आगे तक यही चलेगा अपना, जब भी लाइन चेंज करना हो तो न्यू लाइन, न्यू लाइन, लाइन चेंज का हो गया ये है ना, एंटर की के इक्विवेलेंट मान के चलो आप।
तो अपन ने सरकमफेरेंस को प्रिंट करा दिया, कोटेशन बंद होगा, कोमा लगेगा, वेरिएबल कोटेशन के बाहर आएगा। कई बच्चे अंदर डाल देते हैं, फिर कोटेशन को बंद कर देते हैं, फिर रिजल्ट प्रिंट नहीं होता। तो जो ये प्रिंट होगा सरकमफेरेंस एरिया का, जो रिजल्ट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा कि इस लोकेशन पे प्रिंट करेगा। प्रिंट करके फिर लाइन चेंज करता है, सरकमफेरेंस को लिखेगा, इस लोकेशन पे प्रिंट कर देगा, इक्वल के जस्ट बाद रिजल्ट लिखा हुआ आएगा और फिर लाइन चेंज हो जाएगी। और फिर स्टॉप लिखा अपन ने, तो स्टॉप का ये आ जाएगा है ना, क्लोजिंग ब्रेस, तो बिगिन क्लोज, और फिर ये पूरा का पूरा कोड हो गया प्रोसेसिंग का। तो ये अपना एग्जैक्ट अल्गो है। कोई भी अल्गो अगर आता है तो सी में स्टेटमेंट लिखना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सेलेक्टेड ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। 32 कीवर्ड से पूरी सी लैंग्वेज बनी हुई है। कीवर्ड के साथ साथ में कोई भी जो काम करेंगे, टास्क करेंगे, तो फंक्शंस बने हुए हैं। फंक्शंस अपन को आने चाहिए, फंक्शंस को कैसे काम में ले, काम में लेने के लिए पूरे रूल रेगुलेशन है। तो ये पूरा अपन डिटेल से अगली क्लासों में इनपुट आउटपुट ये नेक्स्ट क्लासों में अपन पढ़ते रहेंगे। फिर आगे देखें अपन कि ये प्रोग्राम सी के पूरे स्टेटमेंट लिख दिए, अब फिर आगे अपन को क्या आना चाहिए, कि अपन को अभी भी ये कोड अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। सेलेक्टेड स्टेटमेंट तो अपन लिखना सीख गए, अब इस कोड को कंप्लीट कैसे करें। अब कंप्लीट करने के लिए फिर देखें अपन है ना, कंप्लीट करोगे अब तुमको है ना, माइंड में ऐसे याद रख लो कि एक सी लैंग्वेज का जो एसेंशियल फॉर्मेट है वो तो याद होना ही चाहिए, कैसे भी करके इसको याद रखो। अगर ये याद नहीं है, स्टार्टिंग करना ये बिल्कुल नहीं आता फॉर्मेट, तो फिर अपन कोड नहीं लिख सकते। तो कोड लिखने के लिए अपन को ये पूरे एक फॉर्मेट याद होना चाहिए प्रोग्राम का। सबसे पहले तो क्या है कि स्लेस स्टार और स्टार स्लेस, तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, प्रोग्राम का हेडिंग। अब प्रोग्राम का हेडिंग क्या आएगा, आप समझ गए क्या आएगा। अब प्रोग्राम का हेडिंग आएगा अपना एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ प्रोग्राम का टाइटल लिख दोगे, अगर नहीं भी आता है तो क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को यहाँ पे ना टाइटल्स में कन्वर्ट कर दो। और भी मल्टीपल लाइन का टाइटल लिखना हो तो स्लेस स्टार, स्टार स्लेस को बिगिन क्लोजिंग पे लगा दो। अगर ये नहीं लगाओगे तो कंप्यूटर फिर एरर दे देगा, फिक्स रूल रेगुलेशन है कोड का। नेक्स्ट क्या है अपना, ये फिक्स है, हर प्रोग्राम में लिखना ही होगा, ये लिंकिंग सेक्शन बोलते हैं इसको, लाइब्रेरी से जुड़ते हैं अपन। तो ये मैंने क्या लिखा, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, तो ये दो लाइन फिक्स है, हर प्रोग्राम में डालनी है, इसे याद रख लो तुम तो। फिक्स रूल रेगुलेशन, ये एंगुलर ब्रैकेट बोलेंगे इसको। कंप्यूटर में है ना चार तरह के ब्रैकेट अपन यूज करते हैं, तो चार तरह के ब्रैकेट तुमको नाम याद हो जाना चाहिए। जैसे एक तो ये ब्रैकेट हो गया, इसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है ना। एक आपके ये ब्रैकेट चलते हैं कंप्यूटर में, तो अपन मैथ्स में तो मजला ब्रैकेट बोल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोल देते हैं, तो सी लैंग्वेज में बोलेंगे इसको ब्रेसेस, BRACES। एक अपना है ना ये छोटा ब्रैकेट होता है जिसको अपन कंप्यूटर में बोलेंगे पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंथेसिस का बहुत ज़्यादा रोल होगा कंप्यूटर में। फिर अपना है ना एक ये ब्रैकेट होते हैं लेस देन ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे एंगुलर ब्रैकेट है ना, या एंगल ब्रैकेट कह दो। चार तरह के ब्रैकेट चलते हैं, जो ये जो अपन ने ये जो लाइन लिखी है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h और conio.h फिक्स है। कि कई बच्चे क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, एरर आ जाती है। ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हेस, इस चिन्ह को ना, इस चिन्ह का नाम दिया अपन ने हेस। हेस के साथ में ऐसे सेलेक्टेड वर्ड है, तो आपको एक बार याद रखना है आगे तक के लिए, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो हेस के साथ में अगर ये सेलेक्टेड वर्ड आता है तो वो है ना प्री प्रोसेसर कहलाएगा। हैज इंक्लूड stdio.h conio.h, तो अपन सेपरेट हैज इंक्लूड में दो लाइब्रेरी को मैं यूज करता हूँ, तो दो बार हैज इंक्लूड लिखूंगा। तो ये लिंकिंग सेक्शन हो गया, ये आपका फिक्स है। मैंने एक स्टार्टिंग के लिए ना कंपलसरी फंक्शंस है, कंपलसरी फंक्शंस को आपको लिखना ही होगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा मैं शुरू और एंड कैसे करूँ, तो ये कंपलसरी है।
कंपलसरी इस फंक्शंस का बिगिन होगा, इस फंक्शंस का क्लोज होगा। तो फंक्शंस क्या है, एक पूरी टास्क होती है फंक्शंस के अंदर कि एक पूरा है ना प्रोसेसिंग एक्टिविटी पूरी फंक्शंस में आ जाएगी। तो फंक्शंस में ये void क्या है, ये कीवर्ड है। तो void main begin close, फिर इसके अंदर दो अलग अलग पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन याद रखो, एक ये पोर्शन याद रखो। ये एंट्री अपन खुद करेंगे, यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन का पार्ट लिखो, यहाँ पे ना डेटा पार्ट लिखो कि डिक्लेरेशन पार्ट है वो इस एरिया में लिखो, काम कैसे करेंगे तो इसमें पूरा लिखो, डिफाइन करो। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है तो यहाँ अलग अलग तरह के ना कंट्रोल स्टेटमेंट आ सकते हैं। डेटा भी अलग अलग तरह का हो सकता है तो यहाँ डेटा का डिक्लेरेशन पूरा यहाँ अलग अलग आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वेरिएबल का डिक्लेरेशन लोकल डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है क्या काम करे, काम कैसे करे, तो पूरा यहाँ पे लिखना होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। वो अपन को यहाँ पूरी अपन को जो एल्गोरिथम्स अपन बना के चलते हैं उसको पूरे सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये एंट्री फिक्स है, ये आपको फिक्स याद रखनी है, void main याद रखना है। कई जगह ये फॉर्मेट में ना ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि void की जगह यहाँ पे इंटीजर वर्ड में लगा सकता हूँ, इंटीजर main, इंटीजर main भी कई किताबों में मिलेगा। अगर इंटीजर main लगाते हो तो लास्ट में है ना रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा, लास्ट में यहाँ रिटर्न मिलेगा, रिटर्न रिटर्न जीरो। तो आपको ये एसेंशियल स्टेप्स है, एक बार माइंड में फॉलो कर लो कि आँख मीच के पांच छह लाइनें जो भी है ये तो इजी वे में अपन फॉर्मेट याद रख सकते हैं। फिर इस फॉर्मेट के बाद क्या करें है ना वो देखें अपन। अब अपन ने जो एसेंशियल जो फॉर्मेट देखा था है ना वो सब कुछ याद हो गया। अब एसेंशियल फॉर्मेट को अपन क्या करें, जो एल्गोरिथम्स से जो अपन ने स्टेटमेंट बनाए थे स्टार्ट किया था है ना रीड किया था, तो अपन ने सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट लिखे थे। अब सी लैंग्वेज के जो एल्गोरिथम्स वाले जो स्टेटमेंट है इस फॉर्मेट में क्या कहाँ प्रेजेंट करें, तो यहाँ जो रेड कलर के जो ये पूरी लाइन है ना स्टेटमेंट है ये सब एल्गोरिथम्स वाला पोर्शन है कि ये रीड वाला स्टेटमेंट है, ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है ना, ये फंक्शन से अप्लाई किया हुआ है। तो एल्गोरिथम्स का ये पूरा पोर्शन ये एल्गोरिथम्स का ऐसे कैसे मैंने यहाँ पुट कर दिया, फॉर्मेट में ऐसे कैसे डाल दिया। और पहला चेंज क्या किया, प्रोग्राम का टाइटल जो अपन ने एसेंशियल जो स्टेप्स लिखी थी वहाँ पे मैंने ना ये प्रोग्राम का टाइटल लिख दिया। हर प्रोग्राम में ये ऐसे चेंज हो सकता है तो कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं कि याद नहीं होगा। तो एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी प्रोग्राम बनाते हो तो टाइटल ये बदल सकता है। फिर ये लाइन फिक्स है ना, ये फॉर्मेट की लाइन फिक्स है, ये एक बार याद रखो और ये लिख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा एंट्री हो सकती है तो एक्स्ट्रा एंट्री अभी मिनिमम जो स्टेप्स है वो लेके अपन चल रहे हैं अपन। ये void main फिक्स है ना, ये भी एक फिक्स है, बिगिन फिक्स रहेगा, क्लोजिंग फिक्स रहेगा। कई बुक में है ना ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे इंटीजर main हो सकता है, फिर ये पूरा टाइटल ये कोड पूरा ऐसे कैसे कोडिंग आ जाएगी, फिर लास्ट में जो होगा वहाँ पे रिटर्न रिटर्न जीरो। अब तुम कहोगे एक तो ये लगाया अपन ने है ना और एक ये लगाए, दोनों में अंतर क्या है। तो एक तो होता है ना कि अपन मेन के अंदर जैसे एंट्री होती है अपनी एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग मेन से होती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी डेटा पार्ट होगा वो पूरा मेन के अंदर ही यूज होगा। जैसे कहीं ऑफिस में गए तो पूरा भी डेटा पार्ट ऑफिस से ही लोगे, ऑफिस में ही उसको उनको प्रोसेस करोगे, रिजल्ट को भी ऑफिस में छोड़ दोगे। अब फिर जब अपन एग्जिट पॉइंट पे आएंगे तो नल नल डेटा लेके बाहर आ जाएंगे, नल मीन्स नथिंग नथिंग रिटर्न। तो ये क्या करेगा, जो भी ये प्रोसेस हो रहा है वो इनसाइड फंक्शंस हो रहा है और अपन जैसे यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं तो नो रिटर्न का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे कि कोई भी ये रिजल्ट को लेके कहीं पे भी नहीं जाएगा, नो रिटर्न का कंसेप्ट आ जाएगा। तो नो रिटर्न का मतलब नथिंग,
हम नथिंग को अपन सी लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं? जैसे तुम्हें कहते हो खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना, नो डेटा, कोई भी डेटा को यूज नहीं करना, तो अपन कहेंगे इसको कैसे समझा पाएंगे कंप्यूटर को? तो उसके लिए फिर ये वॉइड एक कीवर्ड दे दिया अपन को, इससे क्लियरिटी हो जाती है कि डेटा पार्ट इस मेन से आउटसाइड कहीं पे भी यूज नहीं होगा, सब कुछ इनसाइड ही होगा। जैसे ही मेन को मेन से एग्जिट होंगे तो ऑल डेटा फिनिश हो जाएगा। एक बार याद रखना वॉइड का कंसेप्ट, वॉइड एक कीवर्ड है, फिक्स मीनिंग है, नो डेटा को रेफर करेगा, नो आर्ग्यूमेंट को रेफर करेगा, नथिंग को रेफर करेगा, है ना, नो वैल्यू, तो वॉइड अपन लगा देते हैं। और इसकी क्या मीनिंग है कि इसका ये मतलब होता है जब मेन में आप एग्जीक्यूशन में चल रहे हो, अब मेन के क्लोजिंग पॉइंट पे पहुंचोगे, तो ये है ना रिटर्न जीरो लेके बाहर आएगा। ये क्या करेगा, जब इस फंक्शंस को मैं अपन एंड करेंगे, या तो जीरो लेके आएगा, है ना, या वन लेके आएगा। तो अगर ये जीरो लेके रिटर्न हो रहा है तो सक्सेसफुली रन हो गया, ये एक अपन को एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि सक्सेसफुली रन हो गया। तो कई बुक में इंटीजर मेन और रिटर्न जीरो इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं अपन, है ना, ये लगा सकते हैं। कई बुक में वॉइड भी होता है, वॉइड की जगह अपन रिप्लेस करके डेटा टाइप की हेल्प ले सकते हैं अपन। इंटीजर टाइप का ये डेटा भार मतलब वो करेगा, जीरो वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो अपन ने क्या किया फिर, एक ये एल्गोरिथम्स से ये नई टर्मिनोलॉजियाँ जोड़ी है, ये एल्गोरिथम्स में अपन ने यूज नहीं की थी अपन ने। अब सी लैंग्वेज का ये रूल है, जैसे कोई भी तुम काम करोगे तो काम करने से पहले रिक्वायर्ड डेटा तुम्हारे पास होने चाहिए, फिर रिक्वायर्ड डेटा से क्या रिजल्ट बनेगा, तो नया डेटा जनरेट होगा। अब नया डेटा डिफाइन हो जाना चाहिए कि मैं एरिया निकालूंगा तो रेडियस चाहिए एक डेटा, फिर रेडियस से प्रोसेस होके एरिया बना दूसरा डेटा, फिर सर्कमफेरेंस निकाला तो तीसरा डेटा। तो अपने पास तीन डेटा पार्ट आया, तो तीन डेटा पार्ट के लिए पहले यहाँ डिक्लेरेशन करना होता है कि डेटा को यूज करने से पहले उसका डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तुम भी जैसे कोई भी मशीन पे काम करोगे तो मशीन को चलाने से पहले तुम्हारे पास पूरा रिक्वायर्ड डेटा चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर मशीन काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही कंप्यूटर को सोच लो कि अपन को कोई भी अपन काम करेंगे तो पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में जाओगे तो डेटा पार्ट तो हर लैंग्वेज में यूज होगा, कंप्यूटर का पूरा जो कंसेप्ट है वो डेटा प्रोसेसिंग का ही कंसेप्ट है, मतलब कंप्यूटर जो काम करता है वो डेटा प्रोसेस ही करता है। तो डेटा को पूरा डिफाइन करो। अब डेटा है ना, अपन नॉर्मल वे में लेके चले, जैसे 40, 60, 0, है ना, मैं मान लो मैंने यहाँ पे 100, एक तो ये डेटा ले लिया, एक जैसे मैंने 0.001, 4.5, 4.59, एक इस तरह का डेटा ले लिया, एक जैसे मैंने ए ले लिया, एक्स ले लिया, है ना, जीरो को सिंगल कोट्स में डाल दिया, एक ये डेटा ले लिया, एक मान लो मैंने है ना ऐसे ग्रुप ले लिया करेक्टर का, एक मैंने ये डेटा ले लिया। अब तुम देखो कि ये किस तरह का डेटा है, तो तुम देख रहे हो कि ये है ना इसमें पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नज़र आ रहा है मेरे को, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। इसमें देखोगे इसमें किस तरह की वैल्यू नज़र आ रही है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नज़र आ रहा है मेरे को, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई डेटा होता है तो उसको अपन सी लैंग्वेज में फ्लोट से समझेंगे, मैथ्स में रियल नंबर बोलेंगे फ्लोट। और ये जो सिंगल करेक्टर्स होते हैं सिंगल कोट्स में एनक्लोज्ड है, तो इसको अपन करेक्टर डेटा बोलेंगे, इनको अपन करेक्टर डेटा बोलेंगे CHAR। और जो मल्टीपल करेक्टर का ग्रुप बन जाता है, वन और मोर करेक्टर का ग्रुप हो जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिंग डेटा। कंप्यूटर में अगर काम करोगे तो ये डेटा का कैटेगराइज करना आना चाहिए। नॉर्मली अपन ने IT फील्ड या फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो अल्फाबेटिक डेटा, अल्फ़ाबेट आएंगे ABCD, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक में सब कुछ मिक्सअप हो गया, अल्फ़ाबेट भी हो गया, नंबर भी हो गया। एक होता है न्यूमेरिक डेटा, तो न्यूमेरिक डेटा में नंबर्स हो गए। और फिर अपन अलग अलग लैंग्वेज में चलते हैं तो अलग अलग कैटेगरी का डेटा अपन डील कर सकते हैं। हो सकता है कि अपन को डेट फॉर्मेट में डेटा हो, टाइम फॉर्मेट में डेटा हो, कोई पिक्चर फॉर्मेट में डेटा हो,
वॉइस का डेटा हो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट टाइप का कोई डेटा हो, तो अलग अलग यह कैटेगराइजेशन हो सकता है। हर लैंग्वेज में डेटा टाइप की थ्योरी आएगी, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होगा कि प्रोग्राम क्या होगा, डेटा को लेके प्रोग्राम में इस प्रोग्राम उनको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके रिजल्ट देगा, तो डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी चलेंगे अपने। तो अपन को कोई भी काम करेंगे तो काम करने से पहले डेटा का पूरा डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए, चाहे सी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो, अगर डेटा पार्ट ही तुमको समझ में नहीं आया तो अपन कुछ नहीं कर सकते ही। तो अपना है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर प्रोग्राम्स लिखना है तो प्रोग्राम्स को कैसे कर पाओगे, तो डेटा पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर अपन ये प्रोग्राम का ये जो कोड है, ये मैंने एक्स्ट्रा एंट्री लिखी हुई है, ऑप्शनल है, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, इसको ऑप्शनल है। अब ये क्या होता है कि अगर प्रीवियस जो आउटपुट की स्क्रीन होती है उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, बिगिनिंग से नया रिजल्ट टॉप से आना चाहिए, तो अपन कहेंगे आउटपुट की स्क्रीन को बिगिनिंग से दिखाओ कि रिजल्ट जो है प्रीवियसली जो आउट पहले से डिस्प्ले रिजल्ट है उसको रिमूव करो और रिजल्ट को ना फ्रेश करके दिखाओ, मतलब तो फिर क्लियर स्क्रीन, तो ये क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। फिर ये गेट सी एच क्या करेगा कि प्रोग्राम रन करके वापस एडिट मोड में आ जाएगा, हमें कहूँगे रिजल्ट की स्क्रीन को पॉज करते हुए रखो। तो टर्बो सी का जो कंपाइलर अपन यूज करेंगे, है ना, कंपाइलर क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें ये इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, एरर को चेक करेगा, रन करेगा, ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, ऑब्जेक्ट कोड के बाद में रन होता है। तो ये गेट सी एच क्या है, आउटपुट की जो स्क्रीन है उसको पॉज करते हुए रखेगा, कोई भी की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। कई बार होता है ना कि कंप्यूटर की स्क्रीन रेगुलर चल रही है कि एक रिजल्ट की स्क्रीन आई फिर चली गई, हमें कहूँ रोको। अब तुम कहोगे कैसे रोकूँ, तो मैं कहूँ गेट सी एच लगा दो। तो मैंने क्या किया, क्लियर स्क्रीन एकदम डिक्लेरेशन के जस्ट बाद लगा दिया, लास्ट में गेट सी एच लगा दिया, और पूरा का पूरा कोड ऐसे कैसे जो अपन ने प्रीवियसली जो लिखा था इससे पहले वाली स्लाइड में, वो ऐसे कैसे ये कोड को रख दिया, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो जाता है। फिर अपन चाहेंगे इसमें कुछ और नई टर्मिनोलॉजी ऐड कर दे, है ना, इसी प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करे और कुछ नई टर्मिनोलॉजी इसकी और अपन इसमें है ना ऐड करे प्रोग्राम में। अब ये क्या होता है कि ये इनसाइड फंक्शंस है डिक्लेरेशन, और ये पूरा इस मेन के अंदर पूरा कोड है। अब अपन ने ये पाई है, अब तुम पाई 22/7 ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी चले जाओ, पाई का मान तुमको फिक्स मिलेगा, है ना, बस तुम चाहे अमेरिका में काम करो, चाहे इंडिया में काम करो, चाहे कहीं पे भी काम करो, पाई का मान फिक्स है। अब कोई वैल्यू अगर ऐसे फिक्स होती है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो, तो अपन चाहिए इसको फिक्स करके ही चले ना प्रोग्राम में, इसको अपन यहाँ क्यों वैल्यू लिखे, डायरेक्ट अपन कोई टॉप लेवल पे कहीं पे भी इसको ना प्रोग्राम में कहीं पे ऐसा पोर्शन हो जहाँ फिक्स हो जाए एंट्री, तो पाई का मान अपन को फिक्स करके चलना हो तो अपन थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे। वैसे तो आपके प्रोग्राम समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, अगर इसको और आगे देखें कि इसको अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट देखो। अब इधर जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज सोर्स कोड, कोई भी सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम अपन लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज में अगर जो तुम प्रोग्राम लिखोगे वो सोर्स कोड के नाम से जानते हैं, याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स कोड, तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, कोई भी प्रोग्राम है अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो सोर्स कोड कहलाएगा। सोर्स कोड अपन जो एल्गोरिथम्स बना के चलते हैं उसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटर की जो समझने वाली लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो ये पूरा सी लैंग्वेज का सोर्स कोड है। अब अपन ने यहाँ कुछ नई टर्मिनोलॉजी यूज की है, अब नई टर्मिनोलॉजी क्या है, तो अपन ने देखा कि उस प्रोग्राम में तो 22/7 लेके चले थे इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था, और कुछ वेरिएबल का डिक्लेरेशन मैंने ना बाहर भी कर दिया और एक अंदर भी कर दिया, तो कुछ चेंजेज अपन देखें यहाँ पे। तो एक तो मैंने ना ये वाला पोर्शन नया लिखा है, एक तो मैंने ये नया पोर्शन लिखा है, एक मैंने ये नई एंट्री डाली यहाँ पे, जो प्रीवियसली जो प्रोग्राम लिखा था और इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे न्यू एंट्री की है, न्यू एंट्री,
और इन एंट्री को मैंने सेपरेट नॉमिनी क्लेचर भी कर रखा है। अब तुम कहोगे पाई है यहाँ से, मैंने क्योंकि पाई का सिंबल्स तो कीबोर्ड से बनेगा नहीं। अब पाई को अपन है ना अपने वर्ड में पाई बोलते हैं, पी आई। मैथ्स में अपन पाई को ऐसे लिख देते हैं पाई, तो अपन समझ जाते हैं पाई का मान पुट करना। अब पाई फिक्स है, चेंज नहीं होती वैल्यू, तो फिक्स डेटा को कैसे लिखे। तो फिक्स डेटा को लिखने के लिए मैंने डिफाइन, हैस डिफाइन है ना, हैस के साथ में इसे सेलेक्टेड वर्ड है जो अपन प्री प्रोसेसर बोलते हैं इनको, तो हैस डिफाइन से कॉन्स्टेंट एंट्री बनती है ये। तो ये मेरे है ना कॉन्स्टेंट एंट्री बन गई है, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट एंट्री बन गई है, ये कॉन्स्टेंट एंट्री है। पाई डिफाइन, हैस डिफाइन, फिर स्पेस आएगा, फिर नॉर्मल वे में पाई। वैसे कॉन्स्टेंट को अपन मोस्टली कैपिटल लिखते हैं, तुम चाहो तो छोटे अक्षर भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो अलग से कोई और या नॉमिनी क्लेचर कर सकते हो। तो पाई 3.14286 22/7 वो भी लिख सकता था। तो मैंने पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके 5 decimal places तक पाई को या फिक्स कर दिया। अब जब भी मैं कैलकुलेशन में यूज करूँगा पी आई, तो पाई का मान वो वहाँ से अपने आप ले लेगा कैलकुलेशन में। तो तुम कहोगे ये क्या लिख दिया, ये मैंने कॉन्स्टेंट बना दिया। तो तुम्हारे को एक नया पॉइंट मिला, सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट कैसे बनाते हैं। तो कोई भी कॉन्स्टेंट हो, इंटीजर कॉन्स्टेंट हो तो N100, करेक्टर कॉन्स्टेंट हो तो जैसे X, उसमें सिंगल कोट्स में डाल दो कोई भी वैल्यू, ये पॉइंट की वैल्यू है तो ये फ्लोट कॉन्स्टेंट हो गया। ये पाई क्या है, फ्लोट वैल्यू है, रियल वैल्यू है। फ्लोट किसको बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें आता है वो फ्लोट कहलाएगा। और एक अपन ने ये फ्लोट आर इनसाइड लिया, ये जो मैं ले रहा हूँ ना ये इनसाइड डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल है, ये इनसाइड है। इनसाइड किसके, इनसाइड मेन फंक्शंस, ये मेन के अंदर है ना, ये मेन फंक्शंस के अंदर है कि जो ये वेरिएबल है। और ये जो मैंने एरिया और सर्कमफेरेंस लिया ये मेन के आउटसाइड है। सिंपल सी थ्योरी है, एक तो कोई भी डेटा तुम है ना अपने घर के अंदर रखो और एक डेटा घर के बाहर बाउंड्री के बाहर रख दो। अब दोनों में मैं तुमसे पूछूं क्या अंतर है, तो तुम बोलोगे अंदर का जो डेटा है वो एक लोकल हो गया कि वो अंदर वाले कैंडिडेट ही उसको यूज कर पाएंगे, और जो बाहर रखा हुआ डेटा है बाउंड्री के बाहर वो पब्लिक टाइप का हो गया, उसको कोई भी यूज कर सकता है। आउटसाइड की जो पब्लिक है वो आपका ग्लोबल टाइप की एक्सेसिबिलिटी हो गई। तो दो तरह के वेरिएबल चलते हैं अपने सी लैंग्वेज में, एक तो मेन के इनसाइड और एक हो गया आपका मेन के आउटसाइड। तो आउटसाइड जो वेरिएबल्स बना के चलते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे, और जो मेन के इनसाइड होते हैं वो लोकल कहलाते हैं। लोकल का क्या मतलब हुआ, जो सिंगल प्लेस पे काम करे, ऐसा वेरिएबल जो सिंगल प्लेस पे काम करे वो लोकल वेरिएबल, और ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल प्लेसेस पे काम करे यानी मल्टीपल मॉड्यूल में काम करे, मल्टीपल फंक्शंस में काम करे, तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। तो अपन ने यह थोड़ा सा उस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया और एग्जैक्ट यहाँ पे है ना पूरा कोड लिख दिया मैंने। और फिर अपन देखें कि मेन फंक्शंस के बाद भी अपन लिख सकते हैं क्या कुछ, मेन फंक्शंस के बाद भी है ना ये बिगिन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो ये प्रोग्राम है ना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसका एंड हो गया। फिर अपन मेन के बाद में भी ऐसे एंट्री कर सकते हैं, तो मेन के बाद अगर एंट्री करूँगा तो वो फंक्शंस सब प्रोग्राम कहलाएगा, फंक्शंस सब प्रोग्राम। छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे, अगर लार्ज टास्क है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, ईच मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंट राइट कर दो, तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आ सकते हैं। तो अपना ये एक प्रोग्राम है, इससे पहले वाले प्रोग्राम से थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जैक्ट नई टर्मिनोलॉजी अपन ने निकाल लिया। अब अपन देखें कि एक सी प्रोग्राम को लिखा अपन ने, ये कंप्लीट कोड हो गया। अब इस कोड का अगर नॉमिनी क्लेचर देखें कि इस कोड के कितने सेक्शन हो गए, कि एक प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में कितना अलग अलग है ना ब्लॉक बन गए। तो यानी कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्या होता है। तो इस प्रोग्राम के वे में अगर समझें कि कौन से सेक्शन को क्या नाम देते हैं, तो सबसे पहले तो अपन ने जैसे एरिया ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसमें पूरा कंप्लीट टाइटल नहीं हुआ, एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल,
तो ये जो टाइटल है ना, ये एक डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। हर लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन की थ्योरी आएगी। कोई से भी लैंग्वेज में कोड लिखो, कमेंट सेक्शन होगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा। तो दूसरा पोर्शन है लिंकिंग सेक्शन, ये अपन इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके, तो मैं इस लेक्चर में वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो लिंकिंग सेक्शन से लाइब्रेरी की कनेक्टिविटी होती है। हर लैंग्वेज में लिंकिंग का कंसेप्ट होता है कि कंपाइलर होगा, है ना, कंपाइलर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में कलेक्शन होता है कई सारे पैकेजेस का, इंटरफेस का, क्लासेस का, है ना। ऐसे सी लैंग्वेज में कई सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती है, बनी बनाई है ना, रेडीमेड फाइलों का कलेक्शन है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस यूज कर सकते हैं अपन लाइब्रेरी फाइल से। तो फंक्शन से कैसे जुड़ोगे, तो अपन को लिंकिंग सेक्शन की हेल्प लेनी होती है। तो यह जो पोर्शन है, ये लिंकिंग सेक्शन है। फिर अपन ने डेफिनेशन सेक्शन लिखा। अगर आपको कॉन्स्टेंट डेटा यूज करना हो प्रोग्रामिंग में, कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिक्स कर देना है, कोई भी अपन को कॉन्स्टेंट वैल्यू को लेकर एंटायर प्रोग्राम तक फिक्स रखनी है, तो अपन कॉन्स्टेंट यूज में ले सकते हैं। तो इसको अपन कॉन्स्टेंट जो एंट्री यूज करते हैं, उस पोर्शन को नाम दिया डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन में पूरे कॉन्स्टेंट डिफाइन होते हैं। एक नेक्स्ट क्लास में भी ये मैं डिटेल से बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल में क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स, अगर अपन मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, और अपन एक ही वेरिएबल को कई जगह यूज करें, एक सिंगल प्लेस पे डिक्लेरेशन करो और मल्टीपल प्लेसेस को उसको एक्सेसिबिलिटी दो, तो फिर वो ग्लोबल डिक्लेरेशन में आ जाएगा। फंक्शंस का भी डिक्लेरेशन करते हैं अपन, वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन करते हैं, तो अगर मेन के आउटसाइड करोगे तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन पोर्शन कहलाएगा। फिर अपना ना पांचवा जो पोर्शन का टाइटलिंग है, वो मेन फंक्शंस है, एसेंशियल है, कंपलसरी है, स्टार्टअप है। फिर मेन फंक्शंस के दो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपका लोकल डिक्लेरेशन, और फिर डिक्लेरेशन के जस्ट बाद ये पूरा एग्जीक्यूशन का पार्ट है, और फिर ये मेन का क्लोजिंग हो गया, ये क्लोज ब्रेस मेन का ये हो गया। फिर एक लास्ट पोर्शन होता है फंक्शंस सब प्रोग्राम। तो अगर अपन सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखें, तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट डिफरेंट, इसके 6 डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हो गए एक प्रोग्राम के। तो कई सेक्शन ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एंट्री करो। आप चाहते हो मैं तो नहीं करता, तो सिंपल सा इसको हटा दो। जैसे डेफिनेशन सेक्शन ऑप्शनल है, डेफिनेशन सेक्शन को अपन हटा सकते हैं। डेफिनेशन सेक्शन को ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है। अगर अपन एक सिंगल फंक्शन मेन लेके ही प्रोग्राम करे, तो अपन को ग्लोबल डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट एंट्री को अलाउ नहीं करना है, तो अपन को डेफिनेशन सेक्शन की भी एंट्री नहीं है। बाकी मेन फंक्शंस तो कंपलसरी है। लिंकिंग सेक्शन भी जो ओल्ड वर्जन है सी का, तो उसमें भी है ना लिंकिंग सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अपन अलाउ नहीं करें, तो stdio.h को बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। जितने भी नए लैंग्वेज कंपाइलर हैं, नए लैंग्वेज के, है ना, तो रिसेंट जो नए कंपाइलर है उसमें ये लिंकिंग सेक्शन अपन को यूज करना होगा। कमेंट्स भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको भी इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। ये भी तुम चाहोगे कमेंट्स नहीं लिखना, मेरे को फास्टली प्रोग्राम लिखना है, बाद में कमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन बाद में एंट्री दे सकते हो, तो इसको भी अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो तुमको ये है ना ज़रूरी है कि एक प्रोग्राम अपन लिखे, तो प्रोग्राम लिखने के लिए ना अपन को कितने सेक्शन की एंट्री कर सकते हैं अपन, एक प्रोग्राम सी का जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कितने इसके डिफरेंट डिफरेंट है ना स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है या सेक्शन है। तो डॉक्यूमेंटेशन याद हो जाना चाहिए, लिंकिंग, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शंस, मेन के इनर दो पार्ट हो गए, लोकल डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट पूरा कंट्रोल आ गया। फिर मेन का अगर क्लोजिंग होता है तो नीचे फंक्शंस हो सकता है। फिर नेक्स्ट अपन देखें, अभी जस्ट अपन ये प्रोग्राम देखा है ना, कंप्लीट लिख दिया अपन ने। अब अपन देखें इस प्रोग्राम से
क्या क्या टर्मिनोलॉजी जनरेट हो रही है, कि अपन प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या पढ़े, क्या क्या अपन को है ना बेसिक्स कंसेप्ट आने चाहिए। तो इस प्रोग्राम से अपन देखे पूरा इसका अलग अलग वे में मैंने है ना इसको क्लासिफाइड कर दिया पूरे प्रोग्राम का। तो इस टर्मिनोलॉजी देखें कि नई शब्दावली क्या निकली, आगे अपन सी लैंग्वेज को कैसे सीखें। तो अपन देखें कीवर्ड पूरे प्रोग्राम में है ना दो ही कीवर्ड यूज होते हैं। कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, फ्लोट वॉइड। इससे पहले वाली जो क्लास में अपन ने लेके चले थे वहाँ पे इंटीजर वॉइड दो कीवर्ड लेके चले थे। इस वाली जो क्लास में मैं लेके चल रहा हूँ दो कीवर्ड हो गए, एक तो फ्लोट हो गया और एक वॉइड हो गया। कीवर्ड क्या है, फिक्स वर्ड है, फिक्स मीनिंग है, कंपाइलर डिफाइन वर्ड है, चेंज नहीं होती। तो ऐसे कितने कीवर्ड होते होंगे, 32 कीवर्ड। टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। अगर 32 कीवर्ड्स को आप पूरा सीख लेते हो तो कंप्लीट सी लैंग्वेज हो जाती है। तो अभी तक अपन ने दो या तीन कीवर्ड्स तो एक दो क्लास में देख चुके, तो ऐसे देखते देखते अपन को 32 कीवर्ड्स तक स्टडी करनी है। 32 कीवर्ड्स का प्रॉपर रूल रेगुलेशन आ गया तो फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती है। फिर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब होता है ना कि डेटा आएगा, आप डेटा को एक माइंडलेस मशीन कैसे समझेगी, जैसे मैं तुमको कैसे पहचान करूँगा। तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक नाम है, तो कंप्यूटर में भी एक आइडेंटिफायर हो गया। तो आइडेंटिफायर में क्या आ गया, जिसमें डेटा का अपन स्टोर करके चलते हैं मेमोरी में, तो वेरिएबल्स के नेम है ये आइडेंटिफायर में आएंगे। आर है, एरिया है, सर्कमफेरेंस है। कॉन्स्टेंट नाम में क्या आ गया, पाई। ऑपरेटर्स में क्या है, इक्वल है, स्टार है, एंड है। ऑपरेटर क्या है, पूरी टास्क करेंगे है ना। प्री प्रोसेसर या कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दो प्री प्रोसेसर या कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट ही अपन यूज कर रहे हैं। ये पहले से फिक्स स्टेटमेंट है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है। ये प्री प्रोसेसर किससे शुरू होता है, हैस के सिंबल से। फिक्स है एक बार याद रखना है, हैस इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर। हैस डिफाइन क्या है, प्री प्रोसेसर। हैस इंक्लूड क्या करेगा, लाइब्रेरी फाइल को कनेक्टिविटी देगा। हैस डिफाइन क्या करेगा, कॉन्स्टेंट एंट्री बनाएगा है ना। तो ये इसको प्री प्रोसेसर को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कंपाइलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखें अपन सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल। तो लाइब्रेरी हेडर फाइल क्या है, कलेक्शन है फंक्शंस का। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जितना भी इनपुट आउटपुट का जॉब होगा इसके अंदर पूरे फंक्शंस है। कंसोल से रिलेटेड फंक्शंस इसके अंदर है। यूजर डिफाइन फंक्शंस कौन सा है, मेन। यूजर डिफाइन का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामर डिफाइन, प्रोग्रामर खुद उसकी एंट्री लिखेगा। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से यूज हो रहे हैं इसमें, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, स्कैनफ, प्रिंटफ। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, आउटपुट के रिजल्ट की स्क्रीन को क्लियर करेगा। गेट सी एच क्या करेगा, रिजल्ट की स्क्रीन को पोस्ट करेगा। स्कैनफ क्या करेगा, इनपुट से वेरिएबल की वैल्यू पढ़ेगा कीबोर्ड से। प्रिंटफ क्या करेगा, आउटपुट में ये मैसेज को डिस्प्ले करेगा। फिर देखें पंक्चुएशन सिंबल्स। पंक्चुएशन सिंबल्स में अगर कोटेशन बिगिन है तो देन मस्ट बी क्लोज। कई बच्चे क्या करते हैं, कोटेशन लगा देते हैं, बिगिनिंग लगा देते हैं, क्लोजिंग नहीं करते। अगर डबल कोट से स्टार्टिंग है तो डबल कोट से एंडिंग हो गई। कोमा होगा अगर वेरिएबल की कोई लिस्ट आती है ना, तो कोमा से सेपरेट करेंगे। सेमी कोलोन क्या होगा, सेंटेंस का टर्मिनेशन होगा स्टेटमेंट का। और अपन बिगिन ब्रेस लगाते हैं तो ब्रेसेस का भी पूरा बैलेंसिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा। अगर पेरेंथिसिस बिगिन है तो क्लोजिंग पेरेंथिसिस होगा। सिंगल कोर्स है तो सिंगल कोर्स क्लोज होगा। तो ये पूरे है ना रूल रेगुलेशन है, ये पूरे आने चाहिए तुमको। तो ये टर्मिनोलॉजी को अपन वन बाय वन डीपली लेंगे, ये सेपरेट क्लासे बनेगी इन सब की। ऑपरेटर से पूरा काम होगा तो ऑपरेटर की दो या तीन क्लास बनेगी अपनी। इनपुट आउटपुट है तो ये इसके ना प्रिंटअप है, ऐसे अपन 10 या 12 फंक्शंस पढ़ेंगे। ऐसे आइडेंटिफायर में अपना आगे जाके है ना एरे वर्ड आएगा, कोड का नाम आएगा। C++ में जाते हैं तो क्लास का नाम आता है, तो वो सब आइडेंटिफायर में आ जाएंगे। पाई ये कॉन्स्टेंट देखेंगे तो अपने पास और भी तरीका है कॉन्स्टेंट बनाने का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, अगर ये आती है तो तुम्हारा प्रोग्राम बहुत ईजी हो जाएगा, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है जो सी लैंग्वेज तुमको नहीं आएगी। नेक्स्ट देखें अपन, तो अपन यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका मतलब वो देखेंगे अपन इसका है ना प्रोग्राम कैसे टाइप करें, सी लैंग्वेज का कंपाइलर कैसे ओपन करें, कंपाइलर में कोड को टाइप करना,
फिर एरर को चेक करना और रन करना। तो इसका प्रैक्टिकली अपन कंपाइलर को लेके इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। आज अपन इसी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स।